पुलिस की गिरफ्त में देखकर आप सोच रहे होंगे कि मछली को पकड़ना और मछली का ट्रांसपोर्ट करना गुनाह की श्रेणी में आने लगा क्या? अगर ऐसा नहीं तो फिर आखिर पुलिस की टीम इन बेचारे गरीब लोगों को क्यों पकड़ रखी है? अगर आप इसकी सच्चाई से रूबरू होना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देख लीजिए। उन्होंने भी उस मछलियों को देखा, उन्होंने बताया कि ये प्रतिबंधित थाई मछली है जिसको मत्स्य विभाग की टीम द्वारा चेक करने के लिए भेजा गया और उस ट्रक को पकड़ करके हम लोगों द्वारा कार्रवाई हेतु चकरी थाने के सुपुर्द कर दिया गया। ये देखने में तो एक आम मछली ही लग रही है, लेकिन ये मछली नहीं मौत है। इस मछली को खाना मतलब मौत को दावत देना है। बूढ़े बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और छोटे बच्चों के लिए ये मछली किसी जहर से कम नहीं है। अभी कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल से थाई मांगुर मछलियों से भरा एक ट्रक हरियाणा जा रहा था। कानपुर पहुंचते ही संदेह होने पर कानपुर पुलिस ने इसे धर दबोचा। ट्रक चालक ने पुलिस को बताया कि ये देशी मांगुर है, लेकिन विशेषज्ञों ने जांच में पाया कि ये देसी नहीं बल्कि थाई मांगुर मछलियां हैं जो देश में बैन हैं। थाई मांगुर को सन 2000 में ही भारत में बैन कर दिया गया था। इस प्रजाति के मछली पालन, बिक्री आदि पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन कई जगहों पर आज भी इस मछली को पाला और बेचा जाता है, क्योंकि थाई मांगुर मछली बहुत जल्दी से ग्रो करने वाली मछली है। 3 महीने में ही 2 से 3 किलो तक बढ़ जाती है। इससे मछली पालक को ज्यादा फायदा होता है, लेकिन इस मछली को खाना स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होता है, क्योंकि थाई मांगुर में आयरन और लेड बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसको लगातार खाने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है, जिससे शरीर धीरे धीरे बीमारियों से ग्रस्त होता जाता है। यह मछली मांसाहारी होती है। पानी में रहने वाले कई तरह के जीवों को भी ये बेखौफ होकर खाती है। जिस तालाब में यह पाली जाती है उसमें सिर्फ यही रहती है। यह मछली बाकी सभी मछलियों को खा जाती है, साथ ही जलीय पर्यावरण भी अस्त व्यस्त कर देती है। इस मछली की ये खूबी है कि यह किसी भी परिस्थिति में जीवित रह सकती है और कुछ भी खा सकती है। यही नहीं, यह जिस जगह पर रहती है वहाँ के इकोसिस्टम को बर्बाद कर देती है, इसलिए भारत सहित तमाम देशों में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। लेकिन कालाबाजारी करने वालों को इससे क्या फर्क पड़ता है? कम बजट में ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में इसे धड़ल्ले से पाला और बेचा जाता है। सस्ता होने से लोग इसे खरीद भी लेते हैं और चाव से खाते हैं, और ये बात भूल जाते हैं कि वो मछली नहीं सस्ती मौत खरीद लाए हैं। बहुत से लोग जानकारी न होने की वजह से भी इसे देसी मांगुर समझकर खरीद लेते हैं। वीडियो के अंत में आपसे एक अपील रहेगी कि मांगुर मछली खरीदते समय पता जरूर करें कहीं प्रतिबंधित थाई मांगुर तो नहीं है। देसी मांगुर व थाई मांगुर मछली में अंतर जानने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद।